फिर ये ऑलरेडी आप लोगों को मैंने काफी क्लासेस हो चुकी है इस पे, बट थोड़ा सा ब्रीडिंग पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थोड़ा ऐड किया है. एंड इसको लास्ट में मैं बताऊंगी, अगर जैसे अगर आपका सब्जेक्टिव में आता है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो आपको किस तरीके से लिखना है, क्या आपको क्या की पॉइंट्स मेंशन करनी है. ठीक है, ये जनरलाइज्ड है और इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा है वो भी डाला है मैंने डिस्कशन के लिए. ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ द लाइफ बियरर. यू ऑल यू नो दैट लाइफ बियरर आर द फिश दैट बियर्स लाइव ऑन, जो कि आपके जो है कंप्लीटली जो ले करते हैं आपके यंग वंस को वो जन्म देते हैं, वैसे स्पीशीज को आप लाइव बेयरर कहते हो. ऑर्नामेंटल में वैसे स्पीशीज हैं, और वैसे चार इंपॉर्टेंट स्पीशीज जिसके बारे में हम हमेशा पढ़ते हैं, गपी, मॉली, स्वॉट टेल एंड प्लैटी. यूजुअली जो लाइव बेयरर हैं वो मैच्योर कर जाते हैं 4 से 6 महीने में, लेकिन गपी और प्लैटी ऐसी स्पीशीज है कि वो कभी कभी 2 महीने के अंदर भी मैच्योर कर जाती है. और लाइफ बियरर में मेल फीमेल को हम इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यू कैन से मेल जो होता है, आपको पहले भी दिखाया भी है, बताया भी है कि मेल काफी स्मॉल होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, उसके फिन बहुत ही कलरफुल होते हैं. ठीक है, फीमेल जो होती है कंपैरेटिवली लार्ज होती है, डल कलर होती है. मेल का जो फीमेल का जो बेली पोर्शन है वो थोड़ा बल्ज होता है, जबकि मेल क्या करता है, मेल में गोनोपोडियम जैसा जो एक ट्यूब लाइक मॉडिफिकेशन होता है वो एनल फिन का वो पाया जाता है. लाइव बियरिंग फिश में जो है आपका एक जो है एक डक में रहता है, जहां पे वो जाकर के फर्टिलाइज्ड होता है मेल के मिल्क के द्वारा. ठीक है, फीमेल जो होती है जो कि फर्टिलाइज होती है बाय द गोनोपोडियम, जैसे ही उसके वेंट के साइड में ये गोनोपोडियम एंटर करता है और उसमें मिल्क प्रेजेंट होता है मेल का, जो कि आपका फर्टिलाइज करता है एग को. ठीक है, मेल इंसर्ट इट्स गोनोपोडियम विथ मिल्क इनटू फीमेल फिश एंड जो एग होता है वो मदर्स बॉडी में फर्टिलाइज हो जाता है, और फिर जो यंग वंस जो होते हैं मदर बॉडी से बाहर निकलते हैं. ठीक है, गेस्टेशन पीरियड जो होता है इसमें 20 to 35 days का होता है. ग्रेविड फीमेल्स को क्या करते हैं, क्योंकि ये जो है इस लाइफ बियरर जो स्पीशीज हैं ये अपने यंग वंस को, मतलब जैसे ही अपना यंग वंस को रिलीज करती है उसको खाना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, जैसे ही वो डेवलपिंग यंग वंस है उसको खाना यानी स्वेलिंग करना स्टार्ट करेगी इमीडिएटली. उसके पहले ही आपको कोशिश करना क्या होगा, वो जो ग्रेविड फीमेल्स है उसको निकाल करके दूसरे टैंक में, ब्रीडिंग टैंक में, आप चाहे इंडिविजुअली निकाल सकते हो या मेल फीमेल का पेयर रख के आप निकाल सकते हो. ठीक है, उसको ब्रीडिंग टैंक में आपको सेपरेट करना होगा. ठीक है, नहीं तो वरना वो पूरे यंग वंस को खा जाएगा. ठीक है, टैंक शुड बी प्रोवाइडेड विद प्लांट लाइक, और ये जो आपके टैंक्स वगैरह जो ब्रीडिंग टैंक्स वगैरह हैं जिसमें आपके यंग वंस वो रिलीज करेंगे, उसमें कैबुम्बा या हाइड्रिला जो प्लांट है वो डाला जाता है ताकि वो हाइड कर सके यंग वंस वगैरह जो है ना आपके बेरिड जो आपके ग्रेविड फीमेल्स हैं उससे अपने आप को बचा सके. तो ये उसके लिए इस टैंक्स में ये प्लांट प्रोवाइड किया जाता है. वंस द फीमेल गिव बर्थ टू द फुल ब्रूट शी कैन बी रिमूव्ड. एक बार जब वो अपना पूरा जो ब्रीडिंग जो है वो करके यंग वंस सारी रिलीज कर दे, तो उस केस में आपको फीमेल को तुरंत इमीडिएटली जो है उससे रिमूव करके दूसरे टैंक में शिफ्ट कर देना चाहिए. ठीक है, और आपका जो है जनरली लाइफ बियर में क्या होता है कि एक जो फीमेल है वो कई बार आपका लगभग कहा जाता है कि एक साल में एक फीमेल से 10 times वो ब्रीडिंग कर सकती है. एक 8 से 10 times हम जो है उस मतलब यंग वंस हमें मिल सकता है सिंगल मेटिंग के थ्रू. सिंगल मेटिंग के थ्रू वो कम से कम 8 से 10 बार जो है फीमेल, एक सिंगल फीमेल वो यंग वंस रिलीज करती है. ठीक है, तो जैसे ही आपने हटाया तो आप फीमेल्स जो ग्रेविड फीमेल्स है जैसे उसने यंग वंस को रिलीज किया, इमीडिएटली आपने दूसरे ब्रीडिंग टैंक में डाला, तो उसके बाद क्या होता है 2 to 3 days में जो है वापस से वो फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाती है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट ऑफ द मेल. क्योंकि जो फर्स्ट टाइम उसकी मेटिंग हुई रहती है उस केस में क्या होता है, जो स्पर्म उसके बॉडी में ट्रांसफर होता है वो जाके फीमेल के बॉडी में स्टोर हो जाता है, और वो उसमें जो ऑलरेडी पहले से जो स्टोर्ड एग है उसको उसके साथ फर्टिलाइज्ड होता है. ठीक है, वो स्पर्म जा करके जो स्टोर फर्स्ट मेटिंग के दौरान जो स्टोर स्पर्म है उसके बॉडी के एग्स के साथ ज्वाइन करके फर्टिलाइज होकर के फिर यंग वंस का फॉर्मेशन करता है. तो इस तरीके से एक सिंगल फीमेल जो है आपका सिंगल मेटिंग के थ्रू 8 से 10 बार जो है आपके यंग वंस को रिलीज करती है. ठीक है, बच्चे देती है वो.
गपी, गपी में थोड़ा सा जनरली जो एक चीज और मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे कि ये जो आपके लाइफ बेयरर स्पीशीज है, ठीक है, जनरली एक लाइफ बेयरर स्पीशीज जो कहा जाता है, मैंने कहीं पे डाला भी है इस पे, आई थिंक हाँ, जैसे जो जनरली जो लाइफ बेयरर स्पीशीज है ना, जनरली वो 50 टू 60 यंग वंस रिलीज करती है, ठीक है। कुछ जो बड़े साइज की स्वॉर्ड टेल वगैरह होती है वो जो है 100 तक भी जो है यंग वंस रिलीज करती है, लेकिन जब हम उसको नेचुरल फूड देते हैं, हम कहते हैं ना कि जब हम नेचुरल फूड देते हैं तो उसका बॉडी कलर मेंटेन रहता है, ग्रोथ अच्छे से होता है, उसकी ब्रीडिंग टेंडेंसी अच्छी होती है, तो जब हम नेचुरल फूड उसको प्रोवाइड करते हैं या फिर आर्टिफिशियल डाइट, प्रॉपरली बैलेंस्ड डाइट उसको सप्लीमेंट करते हैं नेचुरल फूड के साथ में, तो क्या होता है उस केस में फीमेल जो है, जो कि उसका जनरल जो रेशियो है उसका प्रोड्यूस करने का 50 to 60 रेशियो, उससे वो फार ज्यादा करती है, मतलब मोर देन 100 यंग वंस वो देती है अगर उसको नेचुरल फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो है मैं नेक्स्ट आपको डील कर रही हूँ गपी के बारे में, उसमें थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा क्या चीजें हैं उसके बारे में। जैसे गपी जिसको हम जानते हैं कि पोसीलिया रेटिकुलाटा साइंटिफिक नेम है, इट इज अ लाइफ बियरिंग फिश है और ओरिजिनेट साउथ अमेरिका से क्या है, नॉर्थ ऑफ अमेजोन, और अभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड ये काफी पाया जाता है और बहुत हद तक ये सारी कंट्रीज में लगभग स्प्रेड कर चुका है, क्योंकि इसका एक नेचर है कि ये डिजीज कैरिंग मॉस्किटो को भी काफी हद तक खाता है और कंट्रोल करके रखता है, और ये काफी ब्यूटीफुल भी होता है गपी, दैट्स व्हाई एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बहुत पसंद करते हैं लोग, इसलिए वर्ल्ड वाइड ये काफी ज्यादा जो है अभी स्प्रेड हुआ है, पाया भी जाता है, मतलब कहा जाए, एंड यूरोप में खासकर थ्रू आउट द ईयर इसका काफी डिमांड है। मेल गपी जो है जनरली 2.5 टू 3.5 सेंटीमीटर लेंथ तक जाता है और फीमेल्स आर यूजुअली लार्जर, जब वो पूरी तरह से ग्रो हो जाती है तो वो मेल से भी ज्यादा लार्ज, मतलब उसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, ठीक है। गपी थ्राइव्स इन अ लार्ज वेल प्लांटेड टैंक विथ अ स्टेडी टेम्परेचर विद इन रेंज ऑफ 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आपका जो है वो गपी जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव कर, हेलो जो आपका जो है गपी जो है बहुत अच्छे तरह से अगर आप उसको वेल प्लांटेड टैंक्स, मतलब आपके जो एक्वेरियम है उसमें अगर प्लांटेशन करते हो और उसका टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हो तो बहुत अच्छे से वो ग्रो करता है, डेवलप करता है, ठीक है। ड्यूरिंग समर क्या होता है, स्पेशल कूलिंग केयर हैज टू बी मेंटेन टू सस्टेन गपीज, गपीज को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ कूलिंग केयर की ध्यान रखना होगा ताकि टेम्परेचर जो है वो क्योंकि कुछ कुछ जगह पे टेम्परेचर जो है 37 डिग्री से ऊपर राइज हो जाता है, इवन समर में इससे भी ऊपर जाता है, तो उस केस में आपको वाटर एक्सचेंज करके या किसी भी तरीके से आपको कूलिंग केयर करना पड़ेगा ताकि वो टेम्परेचर जो है उसका ऑप्टिमल रेंज तक आ सके और वो अच्छे से रह सके, ठीक है। ग्रेविड फीमेल, हालांकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका है, तो ये ब्रीडिंग से रिलेटेड थोड़ा कंसर्न है, थोड़ा टॉपिक है, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑलरेडी मैंने कल्चर के बारे में ऑलरेडी पहले ही कुछ कुछ बता रखा था, ठीक है। रैबिट फीमेल नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम कम्युनिटी टैंक एज सून एज दे स्टार्ट स्वेलिंग द डेवलपिंग यंग वंस, पहले भी बताया आपको कि जैसे ही वो अपने यंग वंस को रिलीज करती है और यंग वंस जैसे ही डेवलप होना स्टार्ट होता है उसको स्टार्ट कर देती है स्वेलिंग खाने के लिए, पूरे निगल जाती है पूरी तरह से, एक तरह से कह लो, तो वैसे केस में आपको ग्रेविड फीमेल को तुरंत वहां से रिमूव करना है, ठीक है। आप उसको सेपरेट टैंक में रखना है, इंडिविजुअली रखिए या पेयर फॉर्म में रखिए, ठीक है। और जो है टैंक को जो है प्लांट लाइक कैबुम्बा हाइड्रिला से पूरी तरह से आपको प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो जो यंग वंस है उसको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल सके, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रह सके, ठीक है। फॉर मास ब्रीडिंग ऑफ गपी अ टैंक ऑफ 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर जो है वो आइडियल माना गया है, और वेयर द परफोरेटेड आप सिलिंड्रिकल बास्केट जो है प्रोवाइड कर सकते हो टैंक के एक साइड में, ठीक है, विथ फिब्रस प्लास्टिक फ्लोइंग फिलामेंट्स, जहाँ पे आप जो है फीमेल्स को कम्प्लीटली केप्ट अलग से जो है सेपरेट करके रख सकते हो ताकि फीमेल जो यंग वंस को रिलीज करे तो उस प्लास्टिक बकेट से वो रिलीज होके बाहर हो जाए और फीमेल एज सच उसमें ट्रैप होके रहे, ठीक है।
प्लास्टिक परफोरेटेड सिलेंड्रिकल बास्केट का मतलब यही है कि जो ग्रेविड फीमेल है उससे जो यंग वंस रिलीज हुआ उससे उसको प्रोटेक्शन कर सके। तो ये जो यंग वंस होंगे वो बहुत छोटे साइज के होंगे, तो ये परफोरेटेड सिलेंड्रिकल बास्केट से बाहर निकल जाएंगे और फीमेल उसी के अंदर ट्रैप होकर रह जाएगी। ठीक है, तो ये आप किसी भी एक साइड में टैंक के एक्वेरियम के जो साइड में आप रख सकते हो, ठीक है, ताकि आपकी जो ग्रेविड फीमेल्स है वो यंग वंस को ना खाए। ठीक है, बेबीज प्रोड्यूस, ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, सून आफ्टर द बर्थ द यंग वंस एस्केप फ्रॉम देयर मदर। जैसे ही वो आप बास्केट में रखोगे ग्रेविड या मैच्योर फीमेल को, तो जैसे ही वो बर्थ देगी और यंग वंस अपनी मदर्स के ये मदर से बाहर मतलब मदर जहाँ रह रही है उस स्पेस से वो बाहर निकल के जो परफोरेटेड बास्केट से बाहर निकल के आ जाएगा और फीमेल जो है उसी बास्केट के अंदर रह जाएगी और लेटर दे आर कलेक्टेड फ्रॉम द बास्केट एंड प्लेस्ड। और उसके बाद क्या है, आप बास्केट के थ्रू जो है उसको कलेक्ट फीमेल को, क्योंकि वो उसी बास्केट में लगी है तो आराम से आप कलेक्ट करके उसको फर्दर जो है दूसरे टैंक में रख सकते हो, रेयर कर सकते हो और आगे चल के फिर से उससे यंग वंस रिप्रोड्यूस करवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेंटेन करना होगा ताकि वो जो है यंग वंस वो पूरी तरह से सही तरीके से रह पाए। ठीक है, प्लेटी स्वॉटेल एंड मोलीज, आपका जो प्लेटी स्वॉटेल मोलीज है वो बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स है गपीज के। दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न साउथ अमेरिका। और जो एडल्ट लाइफ बियरर जो है प्लेटी के स्वॉटेल के, वो कम से कम 6 से 8 वीक तक जो है टाइम लगाते हैं मैच्योर होने में, जबकि मोलीज जो है 12 से 16 वीक 12 to 16 वीक्स लगाती है मैच्योर होने में। इनकी फर्टिलाइजेशन लाइफ बियरर में जो होते हैं वो इंटरनल होता है, गेस्टेशन पीरियड्स लगभग 4 वीक का होता है। प्लेटी स्वॉटेल और मोली जो है क्वाइट हार्डी स्पीशीज है, लेकिन इसके बावजूद आपका जो वाटर एक्वेरियम में आप जब रखोगे एक्वेरियम में, इसके वाटर जो पैरामीटर्स है इसको स्टैंडर्ड रखना जरूरी है। हार्डी स्पीशीज है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जो एक्वेरियम का जो वाटर कंडीशन है, वाटर पैरामीटर्स है, उसको आप नेग्लेक्ट करोगे। ठीक है, तो उसको आपको सही रखना है, वो सही नहीं रहेगा तो फिर आपका फिर जो है ये स्ट्रेस में आएगी, फिर उस तरीके से प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, हार्डी स्पीशीज है मीन्स थोड़ा बहुत वेरिएशन ये टॉलरेट कर सकती है, बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड एक्वेरियम कंडीशन। ओके, दे ब्रीड वेल इन मोस्ट ऑफ द टाइप ऑफ वाटर एज लॉन्ग एज, जब तक वो ज्यादा सॉफ्ट या एसिडिक ना हो तब तक उस टाइप के मोस्ट ऑफ द वाटर में ये रह जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सॉफ्ट या एसिडिक है तो प्रॉब्लमेटिक है, देन यू हैव टू रेक्टिफाई देम। मेनी ऑफ द मोलीज जो है अपीयर टू बी बेनिफिट फ्रॉम एडिशन, आपका जो है देखा गया है कि बहुत सारे मोलीज जो होते हैं उनको बेनिफिट पहुंचता है अगर हम एक्वेरियम में मराइन साल्ट या कॉमन साल्ट जो है एड करते हैं 0.5 से लेके 1 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में अगर आप 0.5 से 1 ग्राम अगर कॉमन साल्ट या फिर मराइन साल्ट डालते हैं तो उसकी जो सर्वाइबिलिटी है, ग्रोथ है, एवरीथिंग बेटर होता है। तो देखा गया कि मोली के केस में जो है ये बेटर रहा है अगर हम ऐड करते हैं, लेकिन आपको उसके साथ साथ पार्शियल वाटर एक्सचेंज भी करते रहना होगा अगर आप साल्ट डाल रहे हो तो। ठीक है, ताकि साल्ट का लेवल मेंटेन रह सके, ज्यादा ना हो जाए, वो सैलिनिटी उसका ज्यादा ना हो जाए, इसलिए पार्शियल वाटर एक्सचेंज करना पड़ेगा एट एवरी पार्शियल वाटर एक्सचेंज, तभी जाकर के आप उसका साल्ट लेवल जो है वो मेंटेन रह पाएगा। नाउ जो यूनिक कैरेक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इवन क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, जैसे सेक्स रिवर्सल इन स्वॉटेल, ये स्वॉटेल में जो है सेक्स रिवर्सल पाया जाता है। सेक्स रिवर्सल व्हाट डू यू मीन बाय दैट, किसी को पता है क्या होता है सेक्स रिवर्सल, एनीबॉडी? हेलो, मेल कन्वर्टेड इनटू फीमेल, ओनली मेल कैन कन्वर्ट इनटू फीमेल, फीमेल कांट, फीमेल करती है नहीं करती? फीमेल रेयरली कन्वर्ट इनटू मेल, ओके, बट मोस्टली मेल। तो ये जो आपका सेक्स रिवर्सल है ये स्वॉटेल में पाया जाता है। ब्रीडिंग हैबिट्स ऑफ द लाइफ बियरर फिशेस आर वेरी इंटरेस्टिंग, आप अगर देखोगे तो काफी हद तक इंटरेस्टिंग है, खासकर ये स्वॉटेल में जिसका साइंटिफिक नेम ज़िफोफोरस हिलेरी है। आप साइंटिफिक नेम सारे याद कर रहे हो ना, वरना लास्ट में फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे नाम हो जाते हैं, अभी से थोड़ा थोड़ा करके याद करोगे तो फिर बेटर रहेगा।
फेनोमेनन ऑफ द सेक्स रिवर्सल जो है फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व और यू कैन से दैट नोटिस किया गया है स्वॉटडेल में. ईच इमैच्योर जो फिश है वो डेवलप जो होता है हो जाते हैं मेल में या फीमेल में, डिपेंड करता है कि कौन सा पहला डेवलप होता है, मतलब उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ पाया जाता है. अगर वो फर्स्ट मेल उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हुआ है तो वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर फीमेल में हुआ है तो फीमेल में हो जाएगा. देन आपका जो है इफ ओवरीज जो है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप पहला होता है तो उस केस में वो फीमेल बन जाता है और वो जो है फीमेल हार्मोन जिसको एस्ट्रोजन बोलते हैं वो रिलीज करता है. लेटर ऑन जो है बाद में ये फीमेल जो है फंक्शनल मेल में कन्वर्ट हो जाता है. फीमेल जो है मेल में चेंज होना, फीमेल का मेल में चेंज होना बहुत ही कॉमन देखा गया है, लेकिन मेल का फीमेल में चेंज होना बहुत ही रेयर हुआ है. ठीक है, अभी जिसने आंसर किया था, हेलो किसने किया था, मैं नाम पूछना भूल गई, हेलो. हाँ तो आपका जो है स्नेहा, तो आपका जो इस पे है स्वॉटर में फीमेल टू मेल जो है वो बहुत ही कॉमन है, बट मेल टू फीमेल जो है बहुत रेयर है. ठीक है, समटाइम्स जो है एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसमें वो रह रहा है वाटर मीडियम, उसका एक्सटर्नल फैक्टर जैसे पीएच वगैरह जो है ये भी अफेक्ट करता है उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट में. कुछ कुछ फिशेज में देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि लो पीएच जो है 5 to 6 डेवलप मोर मेल इन द ब्रूड ऑफ द स्वॉटेल. अगर ब्रूडर्स है बहुत सारे स्वॉटेल के, अगर उसका पीएच रेंज जो है 5 से 6 है तो बहुत ज्यादा उसमें मेल डेवलप होते हैं, और अगर पीएच का वैल्यू मोर देन 7 है तो फीमेल का ज्यादा देखा गया है कि फीमेल में ज्यादा कन्वर्ट होते हैं. तो पीएच का भी कुछ हद तक देखा गया इफेक्ट है. ठीक है, ब्रीडिंग ट्रैप यूज फॉर द लाइफ बियरर स्पीशीज. ये ब्रीडिंग ट्रैप जो है किसी किसी स्पीशीज में यूज किया जाता है. व्हेन फीमेल ऑफ द लाइफ बियरर स्पीशीज आर रेडी टू ड्रॉप यंग वंस, जैसे ही अपने यंग वंस को रिलीज करती है दे शुड बी टेकन इनटू ब्रीडिंग टैंक. इमीडिएटली उनको दूसरे ब्रीडिंग टैंक में निकाल देना चाहिए. वेयर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ फिशेस कैन बी केप्ट इन परफोरेटेड नायलॉन बैग्स केजेस फ्रॉम विच यंग वंस एस्केप थ्रू द मेस फ्रॉम देयर मदर टू द आउटसाइड टू द अवॉइड पेरेंटल प्रीडेशन. मतलब मेल आपका जो पेरेंट प्रीडेट करते हैं अपने यंग वंस को, यानी कि अपने ही बच्चे को जो खा जाते हैं, इसके लिए बहुत सारे ब्रीडिंग ट्रैप यूज किए जाते हैं. उस ब्रीडिंग ट्रैप के मतलब है कि जो मेल फीमेल जो आपके पेरेंट हैं उनको ट्रैप करके रखा जाता है और वो जो परफोरेटेड आपके नायलॉन बैग या केजेस हैं उनके थ्रू यंग वंस रिलीज होके बाहर आ जाता है. ये सारी चीजें एक्वेरियम टैंक या एफआरपी टैंक जिसमें भी आप कर रहे हो ये ब्रीडिंग ट्रैप जो है उसमें डाल सकते हो, उसी टैंक में रिलीज हो जाएगा. और ये जो ब्रीडिंग जो केज है ये जो नायलॉन बैग या केज है वो उसी ब्रीडिंग टैंक में या ब्रीडिंग एक्वेरियम में या एफआरपी टैंक में एज सच आप प्लेस करोगे तो उसमें मेल जो पेरेंट्स है वो ट्रैप होके रह जाएंगे और यंग वंस उसमें से रिलीज होके एफआरपी टैंक में आराम से घूम रहे होंगे, तो इस वजह से उनको वो खा नहीं सकेगा. ठीक है, वेरियस ट्रैप ऑफ नेट केजेस. अब क्या क्या ट्रैप, किस तरह का ट्रैप यूज किया जाता है, तो बहुत सारे नेट केजेस वगैरह यूज किए जाते हैं. ठीक है, परफोरेटेड डस्टबिन यूज किया जाता है और या फिर फैब्रिकेटेड परफोरेटेड कंटेनर जो है रिक्वायर्ड साइज का आपका. ये सारी चीजें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वेरियस टाइप ऑफ ट्रैप्स है ये यूज में लाए जाते हैं लाइफ बेयरर के, ताकि जो आपके यंग वंस है उसको प्रीडेट ना होने दे पेरेंट के थ्रू. ठीक है, पेरेंट उनको खा ना सके. ए बॉक्स टाइप और सिलिंड्रिकल बट नॉट अ केज कैन बी फिटेड और हुक्ड ऑन टू एन एक्वेरियम वॉल. आप चाहे तो एक बॉक्स टाइप का सिलिंड्रिकल केज बना सकते हैं, वो केज पूरी तरह से नहीं होगा. ठीक है, हुक आप चाहो तो एक्वेरियम के वॉल से हुक के जरिए उसको फिट कर सकते हो. फॉर वन और मोर मदर, ताकि एक या दो एक से ज्यादा जो है मदर्स आप उसमें रख सको, ताकि उस जो नेट है वो जो आपका सिलिंड्रिकल बॉक्स है उसके मेस के थ्रू जो है वो आपका जो है इजीली जो यंग वंस है न्यू बॉर्न्स जो है वो ड्रॉप आउट करके एक्वेरियम में रिलीज हो सके इनटू द लोअर स्पेस. ठीक है, और व्हेन इट इज ऑब्जर्व दैट द फीमेल स्टॉप ड्रॉपिंग यंग वंस, और जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे कि जो ग्रेविड फीमेल है जो ब्रूडर है वो उसने यंग वंस रिलीज करना या ड्रॉप आउट करना जो है स्टॉप कर दिया है, तो आपको इमीडिएटली जो है आपको यंग वंस शुड बी रिमूव्ड
चाहो जो जैसे ही उसने आपको चाहो तो आप फीमेल को सेपरेट करके रख सकते हो, या फिर इस यंग वंस को आप रिमूव करके आप सेपरेट जो आपके टैंक है उसमें रेयर कर सकते हो, और उसको रेयर करने के लिए आपको न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ फीडिंग फॉर द ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अगर सही तरीके से फीडिंग ना किया जाए तो आप सोच सकते हो आपका कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पहली बात, आपकी जो मैच्योर जो ब्रूडर्स है, ग्रेविड ब्रूडर्स है, वो पूरी तरह से हेल्दी होना उसका जरूरी है। उसके हेल्थ पे ही आपके यंग वंस जो वो रिलीज करिए उसका हेल्थ डिपेंड करता है, ठीक है। जैसा फीमेल वैसा उसका बच्चा, तो अगर फीमेल हेल्दी होगी तो उसका बच्चा भी हेल्दी होगा। तो उसको प्रॉपर तरीके से फीड देना जरूरी है, तभी उसकी फर्टिलाइजेशन रेट अच्छी होगी, हैचिंग रेट अच्छी होगी, हेल्दियर यंग वंस होंगे, सर्वाइबिलिटी जो आपकी यंग वंस की होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली उसके डाइट पर डिपेंड करता है, इसलिए फीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ब्रूडर के केस में, ठीक है। इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट एंड हैबिट सच एज प्रेडेटरी लाइफस्टाइल ऑफ जो पाइक किलफिश है या हाफ बीक्स है या गैम्बुशियस स्पीशीज है, इन सबको खासकर देखा गया है, ठीक है। इनका इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट क्या है, हैबिट कैसा है, खाने का लाइफस्टाइल कैसा है, प्रेडेटरी नेचर है तो उसको प्रोटीन लेवल, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, इस तरीके से उसका डाइट या उस तरीके से उसकी फीडिंग जो है पैटर्न या फीडिंग इस तरीके से उसको दिया जाता है, फीड वगैरह, ठीक है। बट जनरली लाइफ बेयरर क्या होते हैं, ओमनीवोरस नेचर के होते हैं। हम तो यहाँ लाइफ बेयरर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जनरली जो लाइफ बेयरर होते हैं वो ओमनीवोरस नेचर के होते हैं, ठीक है। दीज अप्लाई इवन टू दोज स्पीशीज दैट आर रिगार्डेड एज हर्बीवोरस, कुछ ये जो है वैसी स्पीसीज के लिए भी एप्लीकेबल है जो कि आपकी हर्बीवोरस है, यानी जो प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन को लेते हैं, लाइक मॉलीज वगैरह, बहुत सारी मॉलीज की वैरायटी है, ठीक है, जो आपकी हर्बीवोरस नेचर की है, जो प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन लेना पसंद करती है। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो, ओके ओके, यस मैम, ओके। So this apply even in fact mollies sometimes eat their own young ones, providing beyond the doubt that they can digest animal protein like any other carnivorous species. ऐसा देखा गया है कि mollies में भी कभी कभी ये tendency देखी गई है, पाई गई है, और ये completely doubt करने लायक है, क्योंकि generally carnivorous species जो होते हैं वो अपने बच्चों को खाते हैं generally, ठीक है, अपने young ones को खाते हैं, लेकिन molly क्योंकि herbivorous है, many mollies उसमें से herbivorous है, herbivorous होते हुए भी कभी कभी वो अपने ही young ones को खा जाते हैं, और ये बहुत ही मतलब डाउटफुल है, क्योंकि यंग वंस को खाना मींस एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन, और एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन क्योंकि वो हर्बीवोरस है तो प्लांट सोर्स पसंद करना चाहिए, लेकिन कभी कभी वो भी प्लांट मतलब हर्बीवोरस होते हुए अपने यंग वंस को खा लेते हैं, ठीक है। Many life bearers enjoy a diet with composition that takes them to the vegetarian end of the nutritional spectrum, ठीक है। आपके जो बहुत सारे लाइफ बेयरर हैं उसको अगर ऐसा डाइट आप देते हो जिसका कंपोजिशन मैक्स मतलब न्यूट्रिशनली बैलेंस हो और वेजिटेरियन हो, मतलब सोर्स ऑफ प्रोटीन जो वेजिटेबल आपके जो है एनिमल ना हो के प्लांट हो, ठीक है, तो वैसे अगर वैसा टाइप का डाइट भी बनाते हो तो वो लोग पसंद करते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। फीड कंपोजिशन का तो ऑलरेडी आपको फीडिंग के बारे में मैंने काफी लंबा लेक्चर ले लिया है, बताया भी है, दिया भी है, ठीक है, बताया भी है आपको किस तरह से आपके न्यूट्रिशनली बैलेंस होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड लेवल, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें उसमें जो हर एक स्पीशीज का है, आपका प्रोटीन लेवल कितना चाहिए, स्टेज वाइज कितना चाहिए, वो पूरी तरह से जो है आपको पहले भी बताया है। तो इसमें जैसे ब्रूडर्स है तो ब्रूडर्स हर एक स्पीशीज ओमनीवोरस है, कार्निवोरस है, तो कार्निवोरस है एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन का लेवल भी वैरी करता है, तो उस हिसाब से आपको फीड का कंपोजिशन रेडी रखना चाहिए या उस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए या प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, ताकि वो पूरी तरह से न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड रहे, थोड़ा बहुत आपका फाइबर्स वगैरह भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप फीड देते हो और वो पूरी तरह से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा तो रिप्रोडक्शन भी अच्छे से होगा, अच्छा हेल्दियर यंग वंस रिलीज करेंगे, हैचिंग परसेंटेज भी अच्छा रहेगा, सर्वाइबिलिटी अच्छा रहेगा, फर्टिलाइजेशन रेट भी अच्छा रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग ग्रोथ और रिकॉपरेशन मतलब एनीबॉडी,
रिकपरेशन मतलब हो गया कि किसी भी तरीके से, मतलब अगर वो बीमार है या उसको कुछ हुआ है तो उसके रिकवर करना, एक तरह से उसकी बॉडी का रिकवरेशन होना, ठीक है। तो आपका जो है ग्रोथ या उसकी बॉडी का रिकवर हो रहा है, तो उस केस में आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, कि डाइट आप ऐसा बनाएं जिसमें प्रोटीन की लेवल बाकी समय से, बाकी नॉर्मल जो आपका फीड है उस समय, नॉर्मल जब आप फीडिंग देते हैं जो उसमें प्रोटीन लेवल है उससे वो ज्यादा हो, ठीक है, अराउंड 35%, तब जाकर के उसका ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ के लिए जो है या किसी भी तरह से बॉडी हीलिंग के लिए या बॉडी की रिकवरी के लिए हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। तो नॉर्मल डाइट में जितनी प्रोटीन की अमाउंट रखना चाहिए या परसेंटेज रखना चाहिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको उस समय देना चाहिए जिसमें उसकी ग्रोथ या इस तरह की रिकवरी उसको जरूरत है, तो उस समय इस तरह का डाइट आपको देना चाहिए, ठीक है। और बाकी टाइम पे आप चाहे तो लोअर साइड प्रोटीन का रख करके अराउंड 25-30% आप ग्रैनुलर फॉर्म में फीड तैयार करके या उस तरीके से सेलेक्ट करके वैसा फीड आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। एक कंपाउंडेड डाइट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजुअली लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट, इस पे ऑलरेडी मैं काफी जो है बता चुकी हूँ आपको कि आपको जो लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स है उसके थ्रू आप कंपाउंड डाइट जो है खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, लोकली जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसके न्यूट्रिशनली बैलेंस करके, ठीक है। और जो है सीफा जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ठीक है, जो कि भुवनेश्वर में, ऐसा देखा गया है कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और ऐसा पाया गया है कि फिश मील, आपको बताया था मैंने कि जैसे एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन के तौर पे जनरली हम फिश मील यूज करते हैं, तो बहुत ही कम अमाउंट में फिश मील या फिर कह लो कि जीरो अमाउंट में फिश मील, मतलब नहीं डाल करके फिश मील आप फीड तैयार कर सकते हो और वो आप ऑर्नामेंटल फिश को दे सकते हो, लाइफ बियरर को, तो भी बेटर ग्रोथ देखा गया है, अर्ली मैचुरेशन पाया गया है कंपेयर टू द फीड कंटेनिंग मोर फिश मील, ठीक है। ऐसे फीड के जरिए, मतलब सीफा ने ऐसा स्टडी एक्सपेरिमेंट स्टडी किया है, कंडक्ट किया था, जिसमें उन्होंने दो तरह का लाइक फीड दिया होगा, एक फीड में कम्प्लीटली फिश मील निल होगा या फिर एकदम लेस होगा, और एक में फिश मील अच्छा खासा अमाउंट में होगा, तो ठीक है, एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन के तौर पे दिया होगा, ठीक है, फीड उस तरह का फीड बना करके दिया होगा, और स्टडी करके पाया उन्होंने कि वैसा फीड जिसमें उसमें निल था फिश मील या बहुत ही कम था, उसमें लाइफ बियरर का जो ग्रोथ था वो बहुत अच्छा था, अर्ली मैच्योर भी किया था, ठीक है। दिस सो दैट द एनिमल हैज टेंडेंसी टू कंज्यूम एंड यूटिलाइज प्लांट मटेरियल मोर देन एनिमल बेस्ड फीड, ठीक है। तो ये शो करता है कि आपकी लाइफ बियरर की टेंडेंसी, मतलब लाइफ बियरर जो है वो इजिली जो है प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी आराम से यूटिलाइज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं कंपेयर टू द एनिमल बेस्ड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। जो एनिमल बेस्ड फीड है या एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन जिस फीड में हम डालते हैं जैसे फिश मील वगैरह, तो उसके कंपेयर में जो है प्लांट सोर्स अगर हम यूज करते हैं तो उसको भी इजिली वो यूटिलाइज कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, और उसको जो है प्रॉपरली यूटिलाइज करके अपना जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो शो करता है, ठीक है। तो इतना ही था आज का, नेक्स्ट जो क्लास में हम करेंगे दैट विल बी ऑन द एग लेयर, ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा बताएंगे, ठीक है। तो आपको ये लास्ट में मैं बता दूं, ये जो मैंने कंटेंट लिया है वो ट्रेनिंग मैनुअल ICS केडी का है और हैंडबुक का भी है, और आपको जैसे इसमें क्वेश्चन अगर आता है लाइफ बियरर का तो ठीक है, आप जो है अगर स्पीशीज वाइज जो है थोड़ा बहुत उसका साइंटिफिक नेम, उसका जो वाटर पैरामीटर्स है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ठीक है, तो साइंटिफिक नेम के साथ साथ आप वाटर पैरामीटर्स जो रिक्वायरमेंट है वो मेंशन करोगे, एक जनरलाइज आपका जो है लाइफ बियरर के लिए चार स्पीशीज है तो उसके बारे में मेंशन करोगे, थोड़ा बहुत गपी का एक्स्ट्रा और जैसे सेक्स रिवर्सल जो आपका इसमें है स्वॉर्ड टेल में, उस चीज को मेंशन करते हुए विद वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स वगैरह जो उसके लिए चाहिए वो जरूर मेंशन करना, ठीक है, विद साइंटिफिक नेम वगैरह एवरीथिंग जो है, और इस तरीके से आप डील कर सकते हो। लॉन्ग क्वेश्चन भी कितने मार्क्स का है, कितना टाइम है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में आप उसको इस चीज को आंसर करोगे, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। ओके, और अगर मैंने जो असाइनमेंट दिया उससे कुछ अगर क्वेरीज होगा तो यू कैन व्हाट्सएप मी, ओके। नाउ आई एम जस्ट एंडिंग दिस क्लास, ओके। यस मैम। ओके।
थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू मैम वेलकम वेलकम वेलकम